हेलो एवरीवन, बिहार एसटीईटी सोशल साइंस का ये चौथा वीडियो है और इसके अंदर भी हम लोग कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के मार्क्स को सॉर्ट करेंगे। जो कुछ सर्वे में आया है उसको वन बाय वन सॉर्ट करके कुछ ज़िलों का आपका दिखाएंगे। तो इससे पहले भी तीन वीडियो इस तरह के बन चुके हैं और ये चौथा वीडियो है उस सीरीज़ का। इस तरह की वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो बस यही है कि ये दिखाया जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी भीड़ है, कितने लोग क्वालिफाई किए और उस ज़िले के अंदर का स्कोरिंग पैटर्न क्या है। इस तरह की वीडियोस इस बात में आपको मदद कर सकती है कि आप अप्लाई करने के लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट चुने। जिन लोगों का मार्क्स काफ़ी हाई है उनको कोई परेशानी नहीं होगी, वो जहाँ चाहेंगे वहाँ जॉब कर लेंगे। जो लेकिन जो लो स्कोर वाले हैं या एवरेज स्कोर वाले हैं और ख़ास करके जनरल या बीसी मेल कैटेगरी में हैं, उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो वैसे कैंडिडेट, हालांकि जॉब उन लोगों की भी होगी जो भी क्वालिफाइड हैं, जॉब सबकी होगी। बस फ़र्क यही है कि जिनका हाई स्कोर होगा, अगर एसटीईटी मार्क्स बेसिस पर सॉर्टिंग होता है तो हाई मार्क्स वाले, एसटीईटी में जिनका हाई मार्क्स है वो अपनी मनपसंद जगह पा जाएंगे। तो बस इस तरह की वीडियोस में आपको अलग अलग ज़िले के अंदर का स्कोरिंग पैटर्न और वहाँ कितने कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों का एक रफ आइडिया हो जाएगा। क्योंकि सर्वे भी अपने आप में कोई भी सर्वे कंप्लीट नहीं है। इस सर्वे के अंदर अब जाके 1200 के आसपास पार्टिसिपेशन हुआ है, जबकि क्वालिफाइड कैंडिडेट की संख्या जो है वो 5000 के आसपास है। तो इस सर्वे से बस आपको एक हिंट मिलेगा, एक रिफ्लेक्शन आपको होगा कि मामला किधर को जा रहा है। तो जम्मू ही पहला ज़िला है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे टॉप पर है शशि, 120.89 नंबर लेकर के। इसके अलावा जो टॉप 10 कैंडिडेट हैं उनका मैं नाम पढ़ देता हूँ और फिर नीचे तक स्क्रॉल करेंगे। तो जमुई जिले के अंदर टॉप 10 कैंडिडेट अब आपके स्क्रीन पर हैं। धनंजय कुमार सिन्हा, पीके निहार कुमार नंदन, हिमांशु कुमार यादव, पीयूष कुमार, विवेक रॉय, विवेक कुमार, विकास कुमार, एमडी साजिद, ये टॉप 10 कैंडिडेट हैं जमुई ज़िले के। अब ये तो आपने देख लिया टॉप 10 कौन सा, नंबर वन कैंडिडेट का आपने मार्क्स भी देख लिया। अभी देखिए बॉटम पे हम लोग देखते हैं कि बॉटम पे आप जब देखेंगे तो आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा कुल कितना पार्टिसिपेशन हुआ उस ज़िले के अंदर से। 14 नंबर पे चिंटू, तो और 77 नंबर है इनका। तो आपको एक रफ आइडिया ये हो गया कि जमुई ज़िले में जो नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो कम है, बाकी और ज़िलों जैसा यहाँ पर भीड़ नहीं है। जमुई वैसे भी छोटा ज़िला है, बहुत बड़ी आबादी नहीं है, तो इसी तरह का कुछ एक्सपेक्टेड भी था। और 15 लोग, हालांकि मैंने पहले भी कहा कि 5000 क्वालिफाइड लोगों में से सिर्फ 1200 लोगों ने सर्वे में भाग लिया है, तो सर्वे भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। ये संख्या और बढ़ेगी अगर जो ऑफिशियल डेटा देखेंगे तो उसमें और बढ़ेगा, लेकिन कितना भी बढ़ेगा ये जमुई में कॉम्पिटिशन कम ही रहेगा, इस बात की तो श्योरिटी है। अगले ज़िला पर चलते हैं। अगला ज़िला आ जाएगा आपके स्क्रीन पर, अभी ये रहा आपके स्क्रीन पर जहानाबाद है अगला ज़िला। और जहानाबाद में जो स्कोरिंग पैटर्न है, जो जो भी कैंडिडेट टॉप 10 में है उनका मैं आपको नाम और डिटेल्स आपको मैं बताता हूँ। सबसे टॉप पे हैं किरण कुमारी, 129.9 नंबर लेकर के, ईडब्ल्यूएस फीमेल में हैं, पर ये जहानाबाद टॉपर हैं इस टाइम पे। सोशल साइंस की बात हो रही है। इनके अलावा विक्रम कुमार, राजीव नयन, कृष्ण कुमारी कुमार पटेल, अवधेश कुमार, रोशन कुमार, विपिन कुमार, अनुराधा कुमारी, उनके नीचे हैं, बॉटम पर स्क्रॉल करते हैं, एसके रॉय। तो ये टॉप 10 कैंडिडेट हैं जहानाबाद से सोशल साइंस सब्जेक्ट में अब तक के सर्वे के हिसाब से। सर्वे में जब और पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो हो सकता है कि कुछ इसमें फेर बदल हो, पर जो नंबर वन कैंडिडेट है वो टॉप 10 से बाहर हो जाए इस बात का चांस ना के बराबर है। ये नंबर 1, 2, 3 ये लोग ऑलमोस्ट इस्टेब्लिश हैं कि ये टॉप 10 में रहेंगे ही रहेंगे। अगर सर्वे में और डेटा बढ़ता है तब भी ये लोग रहेंगे। तो अभी के लिए टॉप 10 का मार्क्स आपने देख लिया, अब बॉटम तक चलते हैं और दिखाते हैं आपको पूरा मार्क्स। 10 से 20 के बीच वाले देखिए, अपनी एंट्री को आप अपने नाम और कैटेगरी से आइडेंटिफाई कीजिए। बीस के नीचे देखिए, 20 से 25 के बीच में, 25 से 25 के बीच में आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये जहानाबाद का आपने देख लिया, 25 एंट्री है जहानाबाद से और जो टॉप कैंडिडेट है उनका मार्क्स भी आपने देख लिया। तो कुल मिलाए कहने का मतलब है कि जहानाबाद में कंपटीशन थोड़ा सा है, जमुई से ज़्यादा है, पर फिर भी ये बहुत हाई लेवल का कंपटीशन नहीं है। जैसा कि आपने गया में देखा, जैसा आपने नालंदा में देखा, इन सब ज़िलों का, चूँकि मैंने और कई ज़िलों का डेटा देख रखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ,
कि बाकी ज़िलों जैसा कंपटीशन यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी कंपटीशन है। जमुई, अरवल, इन सब ज़िलों से ज़्यादा कंपटीशन है जहानाबाद में। अगले ज़िले की तरफ चलते हैं। अगला ज़िला अब है आपके स्क्रीन पर, कैमूर है अगला ज़िला। और इस ज़िले के अंदर नंबर वन पर जो कैंडिडेट हैं अजहरुद्दीन, 124.69 नंबर है इनका। इनके अलावा जो टॉप 10 कैंडिडेट हैं उनका मैं नाम पढ़ देता हूँ, अरविंद कुमार सिंह, सुजीत, मुकेश, विजय, संजय कुमार रे, सुनील कुमार, शिव प्रकाश तिवारी, अजीत यादव, जितेंद्र कुशवाहा, ये टॉप 10 कैंडिडेट हैं। और इन सब का मार्क्स भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब इसको स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि इसके नीचे क्या है स्कोरिंग पैटर्न, कुल कितने लोग हैं जो कैमूर से जिन्होंने इस सर्वे में भाग लिया है। तो 10 के नीचे देखिए, अभी 10 से 18 तक आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अपने इंट्री को अपने नाम से और कैटेगरी दोनों चीज़ मैच करना चाहिए, तब आप आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि एक नाम के भी हो सकते हैं कई लोग हों, तो नाम और कैटेगरी दोनों को वेरीफाई कीजिए। इसके अलावा आप शिफ्ट भी देख सकते हैं। कई लोगों का मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया है कि दशमलव तक में मार्क्स सेम है। अगर 100.24 अगर आपकी स्क्रीन पर 102.24 एक आपकी स्क्रीन पर टॉप पर दिख रहा है शिव प्रकाश तिवारी, तो हो सकता है कई और लोगों का भी यही सेम मार्क्स हो दशमलव के बाद 2-4-1। तो 18 तक आपने देख लिया, अजीत तक, और नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ 18 से 24 तक देखिए। बस 24 लास्ट एंट्री थी दिनेश कुमार का। तो ये था बात कैमूर का। एक बात तो इससे पता लगा कि जहानाबाद में और कैमूर में जो कंपटीशन है वो काफ़ी हद तक एक जैसा है। इस सर्वे के हिसाब से अब तक का जो ट्रेंड, जितना डेटा अब तक कलेक्ट हुआ है, उस हिसाब से जो जहानाबाद में और कैमूर में कंपटीशन एक जैसा है। अगले ज़िले की तरफ चलेंगे। अगला ज़िला है अब आपकी स्क्रीन पर, और ज़िले का नाम है कटिहार। कटिहार ज़िले में देखिए क्या है हाल। सबसे टॉप पर हैं रंजन, सबसे ऊपर हैं 117 नंबर लेकर के। अखिलेश कमल दूसरे नंबर पर हैं 117 नंबर लेके। रूपक कुमार 115। बाकी कैंडिडेट टॉप 10 कैंडिडेट का मैं नाम पढ़ देता हूँ, प्रभात, केशव कुमार, चितेश कुमार, सीके, अनिल कुमार, ओम प्रकाश, श्रवण। तो ये थे टॉप 10 कैंडिडेट और इन सबके मार्क्स आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं। तो सोशल साइंस में ये है कटिहार का हाल। थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे और आपको टोटल नंबर ऑफ एंट्री दिखाएंगे। 11 के नीचे देखिए, 11 से 18 तक आपको अभी दिख रहा होगा। अपनी एंट्री को अपने नाम और कैटेगरी नंबर से आइडेंटिफाई कीजिए। थोड़ा और नीचे चलेंगे, अठारह से 24 तक अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो कुल मिला के 24 एंट्री ही है अभी तक कटिहार से सोशल साइंस में, 24 एंट्री ही है। तो 24 एंट्री इस तरह के, अगर आप तीनों चार ज़िले का मैंने अभी तक आपको बताया है, इन चारों ज़िलों में एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाला है, जमुई में कंपटीशन सबसे कम है। जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, इन चार ज़िलों की बात हुई अभी तक, और इन चारों ज़िलों में सबसे कम कंपटीशन जमुई में है। जहानाबाद में, कैमूर में और कटिहार में कॉम्पिटिशन एक जैसा है। हालाँकि कटिहार थोड़ा बड़ा आबादी है, जहानाबाद छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि इस सर्वे के हिसाब से, और यही एस्टैब्लिश ट्रेंड भी है, क्योंकि अगर 1200 लोग इस तरह से बोल रहे हैं तो ये ट्रेंड टूट जाए या इसमें कोई बड़ा फिर बदल हो जाए, ये बड़ा मुश्किल है। तो कहने का ये मतलब है कि सीमांचल के पूरे इलाके में ही, सिर्फ कटिहार की बात नहीं है, पूरे उस इलाके में ही कॉम्पिटिशन कम है। तो अभी मैंने आपको इस वीडियो में चार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का दिखा दिया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार। जमुई में कंपटीशन कम है, लेकिन जहानाबाद, कैमूर और कटिहार में कंपटीशन एक जैसा है। आपकी इस पे जो भी राय हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोशिश करूंगा कि मैं इस सर्वे का लिंक आपको दे दूं, ताकि अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप लोग इसमें भाग लें। तो अभी के लिए इतना ही। आखिर जो बचे हुए बिहार के जितने भी ज़िले हैं उन सभी ज़िलों पर भी 1x1 इसी तरह से जाएंगे और सभी का वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ताकि अप्लाई करने से पहले आपको एक रफ़ आइडिया हो जाए कि किस ज़िले के अंदर कितना कंपटीशन है, मामला किधर को जा रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि STET की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, लेटेस्ट अपडेट है, वो आपको टाइम पर मिल सके। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।